गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम वजाहत है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है डेडलीस्ट F-35 कमिंग टू इंडिया, IAF इंडियन एयरफोर्स चीफ चेक्स आउट F-35। क्या मतलब है F-35 इंडिया आ रहा है और वो आर्मी के एयरफोर्स के चीफ ने भी चेक किया? वो चेक तो उन्होंने किया लेकिन खरीदने का चक्कर है क्या? अब यार देख, इंडिया को वैसे भी 150 जासूस की तो जरूरत है। 100 तकरीबन राफेल दे रहा है और अब ये शायद ये ले ली शायद। अब देखते हैं पहले वीडियो, तब पता लगेगा। डिफेंस का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आई हैं दुनिया के सबसे घातक पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अच्छा। क्या F-35 भारत आ रहा है? क्योंकि हमारी वायुसेना प्रमुख यहां पर पहुंचे हैं F-35 के पास, और इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। तो सारी खबरें मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो बने रहिए, लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, इजराइल वैसे भी इनकी दोस्ती तो वर्ल्ड फेमस है दोनों की। तो दोस्तों, F-35 के बारे में आपको पता ही है, मौजूदा समय में पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऑपरेशनल पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें की सही मायनों में पांचवी पीढ़ी का माना जा सकता है, और ये है अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो चीन भी कहता है कि उनके पास भी पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, लेकिन उसमें ऐसी कोई क्षमता दिखाई नहीं देती जिससे वो पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान लगे। ऐसा ही रूस के साथ भी है। तो दोस्तों, अमेरिका का जो ये पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, उसमें से अमेरिका ने सिर्फ F-35 को ही बिक्री के लिए रखा है, और F-22 रैप्टर को किसी भी दूसरे देश को अमेरिका नहीं बेचता, क्योंकि वो और F-35 में से भी एक शर्त है कि वो देश अमेरिका का मित्र देश होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और भारत अमेरिका का एक मित्र देश ही है। दोस्तों, हमारे वायुसेना प्रमुख कहाँ पर पहुंचे हैं F-35 के पास, ये तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनका बयान भी बता देना चाहता हूँ और सिचुएशन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, हमारे वायुसेना चीफ का कहना है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और गलवान में जो झड़प हुई है, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकतों को बढ़ाने पर। जी हाँ दोस्तों, इससे मतलब ये है कि हम नए नए हथियार, नए नए लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं। और दोस्तों, मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना को बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी, और इस तरह के लड़ाकू विमानों की। और सिचुएशन यहाँ पर क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक टेंडर जारी किया था MMRCA, जो कि खारिज कर दिया गया था, और उसके बाद एक नया टेंडर निकाला गया था MMRCA 2, जिसके तहत हमें एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर खरीदना था, और इस टेंडर के तहत 114 लड़ाकू विमानों की खरीद होनी थी। तो उसके बाद हमने 36 राफेल लड़ाकू विमानों को भी खरीद कर ली थी, लेकिन अभी भी हमें कई सारे लड़ाकू विमान चाहिए। अब दोस्तों, तो चाहिए। अगर हम हमेशा खरीदते ही रहेंगे तो हम खुद लड़ाकू विमान कब बनाएंगे? और मेरा वही पॉइंट है, हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो ऑलरेडी बन रहे हैं, और आने वाले 10 सालों में हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं। ये तो है। हमारे ये लड़ाकू विमान डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार बन गए, और ये छोटे मोटे जेट्स नहीं है दोस्तों, तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स हम बना रहे हैं, लेकिन इनको बनने में अभी भी देरी है, और जितना समय इस बीच में है उस समय भी वायुसेना के पास इन लड़ाकू विमानों की कमी रहेगी। दोस्तों, आने वाले 10 सालों के बाद ही हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स तैयार होंगे, लेकिन इन 10 सालों के लिए भी तो हमें लड़ाकू विमान चाहिए, और इसके लिए हमें जरूरत है कि हम जल्द से जल्द 1 से 2 सालों के अंदर बड़ी मात्रा में इस तरह के लड़ाकू विमानों की खरीद कर लें। अब आप कहेंगे कि आखिर भारत खरीदे तो खरीदे किस लड़ाकू विमान को? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भारत के पास बड़े तौर पर, मोटे तौर पर 3 ऑप्शंस है। पहला तो खुद राफेल का है, दूसरा है रूस के सबसे नए चेकमेट फाइटर का, जिसको कि सुखोई 75 भी कहा जाता है, और इसके अलावा अमेरिका ने हमें ऑफर किया था F-35। तो ये 3 ऑप्शन बेस्ट ऑप्शंस हैं मौजूदा समय में, और इनके भी अपने अपने फायदे नुकसान हैं। राफेल में ये है कि होने को तो ये हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा, और काफी अच्छी कीमत पे भी हमें मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी क्षमता भी काफी अच्छी है। इसने Su-35 के रडार को भी जाम कर दिया था, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि ये अभी भी एक 4.5 पीढ़ी वाला लड़ाकू विमान है। वहीं अगर इसके सामने F-35 और चेकमेट को देख लें, तो ये दोनों स्टेल्थ फीचर के साथ पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बताए जा रहे हैं। अब चेकमेट को ले लें तो उसमें तो ये फायदा है कि ये काफी कम कीमत पर मिल रहा है,
लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इसको अभी तक युद्ध स्तर पर टेस्ट नहीं किया गया है जमीन पर। अब आ जाती है F-35 की बारी, तो होने को तो इसकी क्षमता है एक से बढ़कर एक, दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाकू विमान माना जाता है इसे, लेकिन ये इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आती है, तो ये हमें काफी महंगा पड़ जाएगा। खरीदने में तो नहीं, लेकिन ऑपरेट करने में काफी महंगा पड़ जाएगा। तो इन तीनों लड़ाकू विमानों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन हाल ही में ये भी खबर निकल कर आ रही है कि हमारे वायुसेना के चीफ इसराइल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने F-35 का निरीक्षण किया है, और इसराइल के पास आपको पता ही होगा कि F-35 है, और वहां के अधिकारियों ने F-35 की सारी क्षमताएं और उसकी ऑपरेटिंग को प्रदर्शित किया है हमारे वायुसेना प्रमुख जनरल RKS भतोरिया के सामने। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि F-35 की ओर भी भारत जा सकता है, और F-35 की खरीद से भारत को दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये कि भारत के पास एक पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान आ जाएगा, और दूसरा ये कि ये एक अमेरिकी लड़ाकू विमान होगा, तो चीन को काउंटर करने में हमें वैसे भी मदद मिल जाएगी, और इसके साथ ही साथ हमारे अमेरिका से और ज्यादा संबंध मजबूत हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, भारत को किसकी ओर जाना चाहिए, फ्रांस के राफेल, रूस के चेकमेट, या फिर अमेरिका के F-35 की ओर? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ये वीडियो खत्म यार, ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहली बात आप लोग बताइएगा किसकी तरफ जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ या तो राफेल या तो फिर F-35 अगर बहुत महंगा है। हाँ मतलब अगर मतलब खैर इंडिया के पास पैसे हैं, लेकिन और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, और भी पूरा इतना बड़ा एक कंट्री है, पैसा होना एक अलग बात है, और उसको भी देखना एक बड़ा बात है। अगर ये राफेल लेते हैं ना, तो एक टाइम पे आके वो भी थोड़ा वीक आगे वाले टाइम में थोड़ा पड़ जाएगा। 4.5 है बिल्कुल, क्योंकि स्टेल्थ चाहिए इस टाइम इंडिया को, लेकिन स्टेल्थ में तब कहता हूँ इंडिया को नहीं फिलहाल लेना चाहिए, क्योंकि अपना फुल ध्यान एम का पे देना चाहिए। अगर इंडिया ने एम का ये स्टाइल ये ले लिया तो एम का पे थोड़ा ध्यान कम होगा। जो अगर अभी 5-10 सालों के अंदर बनेगा वो फिर जाएगा 20 साल, हाँ फिर उसका टाइम और लग जाएगा। तो मैं कहता हूँ इसका एक किस्म का फायदा नहीं है। बिल्कुल, अगर राफेल लेते हैं तो राफेल बेस्ट है, मतलब कि 30-40 साल तो मैं कहता हूँ 40 साल टक्कर नहीं दे सकता, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात मतलब उसके बाद यार एक टाइम फ्यूचर में आते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, तो फिर वो काम पड़ जाएगा। तो मेरा तो ये मानना था, और F-35 अगर ले लिया ना, मतलब एशिया में नंबर वन हो जाएगा। मैं कहता हूँ एशिया में कोई नहीं टिकने वाला, ये सीरियस बात। और अगर ये ले लेते हैं, मतलब इंडिया 40 एक ले लेता है ना, तो मैं कहता हूँ कि एशिया का नंबर वन एयरफोर्स इंडिया की बन जानी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी ग्लोबल रैंकिंग भी ऊपर आ गए भी हैं उधर इसराइल में, और चेक देख उनको बताया, अगर उन्होंने एक चीज बताई है, और जाहिर बात है ऐसे बताया तो उनको पसंद भी आया, पसंद भी आया। इरादा अगर जिस कंट्री को होता है देने का, तो वो इसी तरह की चीजें बताता है। तो गाइस आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना यार, बाय।